लेकिन आकाश भैया यहाँ करने क्या आए थे? यही मैं सोच रहा हूँ मनी, आकाश यहाँ इतनी रात गए क्या करने आया था? तुम कहना क्या चाहते हो? लाल भैया, आप पर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये है पंडित बद्री नारायण शास्त्री, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित, और शनि देवता पर इन्होंने पीएचडी भी की है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता इनका ही दिया हुआ ताबीज गले में लिए घूमते हैं। और तो और, हमारे प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार जी शनि देवता पर आधारित जो फिल्म बना रहे हैं ना, उसकी कहानी भी यही लिख रहे हैं। ओफो लीलाधर, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। जूता जूता मार लो भैया, मेरे को जूता मार लो, मेरी खाल खिंचवा लो, लेकिन इसे गले में बांध लो। क्या है क्या ये? ये भैया, ये देखिए, ये उल्लू का नाखून है। उल्लू का नाखून? हाँ, जिसे पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से बहुत बड़ा शस्त्र बना दिया है। ये आपके गले में ढाल का काम करेगा भैया, इसे आप गले में डाल लीजिए। अरे हटाओ इसे। ओम नमो हनुमान। ठीक ठीक है, ठीक है, गले में मत डालिए, गले में मत डालिए, लेकिन इसे अपनी जेब में डाल लीजिए। ये लीजिए। ठीक है ठीक है, बस अब चिंता की कोई बात नहीं है, और बाकी सब बंदोबस्त हो गया है। बंगले के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल ठुकवा दी है, ऑफिस के चारों ओर चार फूटे गड़वा दिए। काल भैरव का कड़ा पहरा है यहाँ पर, और पंडित जी 21,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो हनुमन्ते भव भंजनाय। दुश्मन आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बताए देवा, देवा ये क्या कर रहे हो तुम? देवा देवा शालिंदर, देवा इसकी जगह पर मरा है मेरा भाई, इसकी जगह पर। देवा देवा रोको अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? तू समझता नहीं इंदर, इसी की जगह पर मरा है मेरा भाई। मैंने पूरी इंक्वायरी की है देवा, लाल सिंह उस राज शहर में नहीं था। नहीं था उस राज शहर में? इंदर आकाश की मौत है कि एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था? क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना, तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई काम नहीं हुआ? क्या आकाश तेरा कुछ नहीं लगता था? देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। अंदर भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा,
और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा। अपने डरो, ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है। इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में ये बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा सच उगलेगा। ये क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ उसे। देवा, ये मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जॉन! आत्महत्या कर ली साले ने। आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है एसीपी साहब। आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहां तक कि मेरी और आने वाली मौत को भी टक्कर दी है तुम लोगों ने। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करना है हम लोगों को? चाहता हूं होटल और दूसरे धंधे जो कानूनी तौर से सही हैं, उन्हें तुम सब संभालो। धंधे हम संभाले? मतलब कहीं तुम हमें छोड़ना तो नहीं चाहते? मैं अपने लिए तुम लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। देवा, ये बात कह के तूने हम सबको बहुत छोटा बना दिया, और ऐसे वक्त पर अपने धंधे और कारोबार हमें देकर हमारे काम की कीमत दे रहे हो तुम। रशीद, मेरा मतलब रशीद ठीक कह रहा है। सुख दुख एक साथ बांटने की कसम खाकर तुमने अपना दुख अलग कैसे कर लिया? देवा, देवा तुमने आज बता दिया, हम तुम्हारे साथ रहे थे, सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। मनी, वाकई आपकी राजनीतिक बुद्धि को तो सलाम करना पड़ेगा। अरे इधर शिवा के हाथों पुराना सीएम शमशान पहुंचा और उधर आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन भजन सिंह जी, आप इस पद पर बैठने के बाद आपके राइट और लेफ्ट के दोनों कुर्सियां हमारे लिए खाली छोड़ देना। अरे तुम लोग कुर्सी की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बेंच का इंतजाम करा दूंगा। बैठना है बैठ जाओ, लेटना है लेट जाओ। Yeah!
भजन जी वाकई वही जुनून है अभी तक इसमें, लेकिन ठंडा पड़ जाएगा जब इसे पता चलेगा इसकी औरत कहाँ है। बोल कहाँ है मेरी बीवी, बोल। जिंदा है। हाँ अभी तक जिंदा है, लेकिन मौत उसके चारों तरफ गर्दिश कर रही है। देखना चाहता है वो मंजर। आगे नहीं जाना शिवा, आगे नहीं जाना। इन तारों में इतना तेज करंट दौड़ रहा है ना कि इसे छूकर तो लोहा भी राख बन जाएगा। बीवी उस गोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोख में कैद है। अगर तू चाहता है कि दोनों जिंदा रहें तो जाके उस सीएम को उसकी जिंदगी की कैद से आजाद कर। खून, तुझसे बड़ा मुजरिम तो आज मैं अपने आप को समझने लगा हूं। जो तुझे गिरफ्तार करने की बजाय तुझे आशीर्वाद दिया, भूल थी मेरी, जो मैं ये समझ बैठा कि एक मुजरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है। नहीं, आज तूने ये साबित कर दिया कि चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री श्री एल के चौधरी पर किसी ने गोली चलाकर हत्या कर दी। इस हत्या के कारण शहर में सख्त तनाव फैल गया है। दुकानें बंद कराई जा रही है, बसों को आग लगाने और पथराव की कई घटनाएं भी हुई हैं।
राज्य मंत्री और पुलिस परिस्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है और कातिल की तलाश जारी है। पुलिस महानिदेशक का शहरियों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और पुलिस को सहयोग दें। हम सब यहां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के शोक समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जमा हुए। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पद का भार सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, दुख है इस बात का कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज ये शहर आग और खून में बह रहा है। कौन है वो जो खून की होली खेल रहा है? किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसिला रुकता नहीं? हथियार वही है, बदलते हैं तो सिर्फ गोलियां चलाने वाले हाथ। वाह भजन सिंह वाह, शब्दों से खेलने की जादूगरी तो कोई तुमसे सीखे। साहिबान, ये आदमी जो आपके सामने देशभक्ति और एकता की बातें कर रहा है, दरअसल यही वो शख्स है जिसने मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन शायद भजन सिंह ये भूल गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूत बना के भेजा था, वही मेरी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता साबित हुआ और आज मैं उस नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अजय, सॉरी भजन सिंह, तुम्हारा सीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
मेरे गुनाहों की फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई शिवचरण, क्योंकि उसमें तेरा खून अभी बाकी है। मुख्यमंत्री साहब की जान बचाने और कानून का साथ देने के एवज में सरकार ने अजय उर्फ शिवा को कम से कम सजा देने का फैसला किया है।